उस्मान खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे तो ये तारुफ काफी है किसी के लिए कि वो वर्डप्रेस पे काम करता है, यानी ये तारुफ काफी है कि किसी भी कम्युनिटी में बताने के लिए। ही इज लीड ऑर्गेनाइजर फॉर वर्डकैंप कराची, फर्स्ट एवर वर्डकैंप जो पाकिस्तान में होने जा रहा है। एक प्रीमियम वर्डप्रेस ई-कॉमर्स, वर्डप्रेस बेस्ड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तिजारा, जिसको वो हेड करते हैं। और एक और इन्होंने अपनी एक अपनी जाती जीआईटी भी बनाई हुई है। पिछले तो जीआईटी आपको पता है काफी इशू चल रहे थे, तो उन्होंने सोचा यार कोई ऐसी जीआईटी बनाए जो ना यानी वर्डप्रेस से रिलेटेड हो, तो वो वर्डप्रेस जीआईटी है, उसको भी ये हेड करते हैं। सर उस्मान खालिद, अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी का कोई भी मकसद लगन और मुसलसल जद्दोजहद के बिना हासिल नहीं होता। मंजिल जितनी दूर और रास्ता जितना कठिन हो, उतनी ही मुशक्कत और जद्दोजहद दरकार होती है। सामीन और नाजरीन, मैं हूं उस्मान खालिद, लीड ऑर्गेनाइजर वर्डकैंप कराची। कायद का फरमान है काम काम और काम। वर्डकैंप कराची के इनकार का सफर ना सिर्फ मछले राह रहा बल्कि मुझ पर पूरी तरह बीत चुका। जब मैंने अपनी वर्डप्रेस कंसल्टेंसी स्टार्ट की तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मुझे पाकिस्तानी कम्युनिटी और पाकिस्तान की खिदमत का मौका मिलेगा। क्योंकि वर्डप्रेस पे मेरी एक्सपर्टीज है और बहुत सारे लोगों की तवक्कुआत थी कि मैं वर्डप्रेस कम्युनिटी को लेके आगे चलूं। बहुत सारे लोगों की भरपूर फरमाइश और वर्डप्रेस कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा प्रेशर और नीड की वजह से वर्डप्रेस कम्युनिटी कराची की लीड मुझे सौंपी गई। मुझे याद है वो शाम जब मैंने वसीम अब्बास, जो कि वर्डप्रेस मीटअप कराची जिन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने मेरे साथ एक शाम कॉफी में जिक्र किया कि वर्डप्रेस मीटअप कराची बहुत सारी मुश्किलात से गुजर रहा है, क्यों ना आपके स्टार्टअप भी वर्डप्रेस के ओरिएंटेड है और आप सामने आए और अपना रोल प्ले करें। उस शाम मुझे एहसास हुआ कि इस कम्युनिटी को रिवाइव करना चाहिए ताकि हमारे जो शैल हैं, हम लोगों ने खुद क्रिएट किए हैं, वो शैल हम तोड़ के लोगों के साथ मिलें और अब नई नई प्रोडक्ट्स बनाएं और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। पाकिस्तान के हालात चूंकि बहुत खराब और सियासत ने भी शौर के बजाय तासुब को परवान चढ़ाया, ऐसे में कम्युनिटी को मुनज़्ज़म करना जो ये शीर लाने के मुतरादिफ था। कायद का फरमान है ईमान इत्तेहाद तंजीम। फिर मैं इसी मैसेज को लेते हुए इस कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए सामने आया। वर्डप्रेस कराची 14 लोगों की एक टीम ने स्टार्ट किया, जो कि हमने एक मीटअप से आगाज किया दिसंबर 2015 में। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 300 बेहतरीन वर्डप्रेसर पूरे पाकिस्तान से मेरे सामने हैं। पिछले 3 महीनों की मुसलसल जद्दोजहद मेहनत के लिए मैं अपनी पूरी टीम वर्डप्रेसर्स और उन लोगों को जो इंडिया में और यूरोप में बैठ के हमें उन्होंने भरपूर सपोर्ट किया इस कम्युनिटी के लिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे ये भी याद है कि इस कम्युनिटी को स्टार्ट करते वक्त हमें जिन जिन मुश्किलात का सामना हुआ, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये कम्युनिटी अभी इस काबिल नहीं है कि वर्ल्ड कैंप का आगाज किया जाए। तो मैंने ये सोचा, मैंने उनको ये क्वेश्चन पूछा कि अब नहीं तो कब, क्योंकि मंजिल आपकी जो भी हो, रास्ता जितना भी बड़ा हो, हमेशा पहले कदम से स्टार्ट होता है। तो आज का वर्ल्ड कैंप आप लोगों के नाम। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हम आज से 2 साल बाद वर्ल्ड कैंप एशिया को पाकिस्तान में लेके आएंगे और पूरी एशियन कम्युनिटी को एक जगह खड़ा करेंगे। क्योंकि जब हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था, हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हम सिर्फ 6 महीनों के अंदर अंदर वर्ल्ड कैंप की पूरी, ना सिर्फ उसको अप्रूव करना बल्कि उसकी पूरी तैयारी करके इसको यहाँ पे लेके आ सकेंगे। और आप सब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन करके इस बात को साबित कर दिया कि पाकिस्तान उस चीज का अहल है कि वर्ल्ड कैंप एशिया भी यहाँ पे हो सकता है। आखिर में मैं अपने पेरेंट्स का, अपनी टीम का, अपने असातिज़ा का और तमाम वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइजर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने इस इवेंट को दिन रात मेहनत करके पाया तकमील तक पहुँचाया।
मैं थोड़ा सा एक रफ बता दूं आज का होगा क्या कि दो पैनल डिस्कशन होंगी और पैनल डिस्कशन में बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है आज के, चूजिंग वर्डप्रेस एज अ करियर और बिल्डिंग ब्रांड इन द वर्डप्रेस। इसके अलावा हमारे पास पूरे पाकिस्तान से और इवन स्विट्जरलैंड से एक हमारे बहुत बेहतरीन दोस्त आए हैं हमारे वर्डप्रेस के बारे में बात करने के लिए। वो आपको आके बताएंगे कि ये कम्युनिटी जो हम लोगों ने स्टार्ट की थी या वर्ड कैंप जो स्टार्ट होते हैं उनका बेसिक पर्पस क्या होता है, क्योंकि क्योंकि आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल उर्दू में इंग्लिश में आपको इंटरनेट पे मिल सकते हैं, लेकिन जो अभी आप नेटवर्किंग करेंगे इस सेशन के बाद हैप्पीनेस बार में या आफ्टर पार्टी, वो आपको कहीं भी नहीं मिल सकते। और वो उन इन सारे लोगों की सालों साल की मेहनत का निचोड़ होगा। तो अगले जो आज का दिन है डे एंड तक, वो आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, 10 बेहतरीन लोग इसी कम्युनिटी से आप उठाएं और आप ये देखें कि आप उन 10 लोगों से कैसे मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं। हर बंदा आपको 2 से 3 मिनट हो सकता है पहले आपको टाइम दे सके। और इस पूरे इवेंट के इख्तिताम में हमारा क्योंकि एक सोशल इवेंट है, उस सोशल इवेंट में आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होगी कि उन लोगों के साथ जो वर्डप्रेस कम्युनिटी से मिलियंस ऑफ रुपीस बनाते हैं एवरी मंथ, वो सीख सकेंगे वो किस तरह वो मिलियन ऑफ रुपीस बनाए जाते हैं। एट द एंड मैं तमाम ऑर्गेनाइजिंग टीम अगेन वॉलंटियर्स और सब पार्टिसिपेंट का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये मुझ पर एतमाद किया। और हम लोग वर्ल्ड कैंप कराची के बाद नेक्स्ट वर्ल्ड कैंप कहाँ पे करेंगे इसके लिए हमारे पास सरप्राइज है, आपको इसी इवेंट के एंड तक रुकना पड़ेगा ताकि आपको पता चले नेक्स्ट कैंप कब होगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।